आज हम बनाएंगे मैंग्लोरियन स्टाइल बीन्स करी। ये थोड़ी सी स्पाइसी रहती है, थोड़ी सी टैंगी रहती है और इसको गार्लिक का काफी अनोखा स्वाद रहता है। काफी आसान है इसे बनाना और 7-8 बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है। इसे बनाने के लिए हमें लगेंगे रंगूनी वाल, आप डबल बीन्स भी ले सकते हो। इसे ओवरनाइट 6-7 घंटे के लिए हमें भिगोना है और कुकर में 2-3 सीटी आने तक कुक कर लेना है। थोड़ी सी इमली, 10-12 लहसुन की कलियां, यही एक प्राइम इंग्रेडिएंट है, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। 1-2 छोटे टमाटर, थोड़ा सा स्क्रेप्ड नारियल, 2-3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी लीजिए, थोड़ा सा नमक। सबसे पहले हमें कोकोनट की स्क्रेपिंग्स, टमाटर, इमली और लाल मिर्च पाउडर को जो सोक और कुक किया हुआ बीन्स है उसके साथ ब्लेंड कर लेना है। लाल मिर्च पाउडर के बदले में आप इसमें सूखी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हो, अक्खी वाली। हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना है ब्लेंड करते समय। हमें थोड़ा सा तेल लेना है, कोकोनट ऑयल लेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा, नॉर्मल वाला भी तेल यूज़ कर सकते हो। हमें लहसुन के छिलके निकालने हैं, उसे अच्छे से क्रश करना है और इसे अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। ये लहसुन का तड़का मैंने शुरुआत में ही दिया है, आप चाहे तो इसे एंड में भी दे सकते हो जब ग्रेवी और बीन्स कुक हो जाए तभी। जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर है उसे अच्छे से इस तड़के के साथ हमें कुक कर लेना है 2-3 मिनट के लिए। अब इसे कुक करते समय बहुत अच्छा कोकोनट ऑयल और लहसुन का अरोमा आएगा, उसी समय आपको इसको खाने का बहुत मन होगा। पर अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, अभी ऑलमोस्ट हमारी जो करी है वो रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बीन्स को जिस पानी में कुक किया था वही पानी हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद इसको बॉईल आ जाएगा, वही राइट टाइम है जब हमें इसमें डालेंगे कुक किए हुए बीन्स। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। 3-4 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से बॉईल आया हुआ है, हमारे बीन्स ने पूरी ग्रेवी सोक कर ली है और इसको एक रिच कोकोनट का और गार्लिक का फ्लेवर आया हुआ है। तो बिल्कुल रेडी है हमारी मैंग्लोरियन स्टाइल बीन्स करी, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए, काफी आसान है, आपने देखा ही है कितने जल्दी से बन गई है ये। इसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें।